मुमरा के नूरबाग हॉल में कोकण सामाजिक संस्था की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें एनसीपी पार्टी के नजीब मुल्ला, इसके अलावा नईम खान, सैयद अली अशरफ भाई साहब, इब्राहिम राउत और सामाजिक लोग शामिल थे। इस कार्यक्रम में नजीब मुल्ला सहित कई लोगों को सम्मानित भी किया गया, साथ ही स्कूल कॉलेज में टॉप किए गए बच्चों को भी पुरस्कार दिया गया। नजीब मुल्ला ने मुमरा शहर की सियासत पर भी बयान दिया है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद नजीब मुल्ला और इब्राहिम राउत और आशिक गार्दी ने क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर कहा है, आपको सुनाते हैं। नजीब भाई, समाज संस्था की ओर से एक फेलोशिप प्रोग्राम और यहाँ पर जो अवार्ड दिया गया है उसमें आप मौजूद थे, आप भी आए थे, तो इसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? बेशक कोकण सामाजिक संस्था और दिगर 17 संस्था कौसा जामा मस्जिद उम्मीद सभी जो एलके ग्रुप और जो ग्रुप है उन्होंने कोकण बैंक के नवनिर्वाचित डायरेक्टर चेयरमैन का फेलोशिप रखा था, तो खुश नसीब भी है कि अल्लाह के रहमो करम से मैं भी डायरेक्टर चुन के आया हूँ, एक्स चेयरमैन रो चुका हूँ, तो वो फेलिसिटेशन प्रोग्राम में आए थे क्योंकि बहुत सारे बम्बई के और थाना के शेयर होल्डर्स यहाँ रहते हैं। कोकण के ये बैंक से जुड़े हुए फाउंडर्स की फैमिली बहुत पैमाने पे रहती है, ब्रांच है, तो उस दौर में न्यू बॉम्बे में फेलिसिटेशन हुआ, बम्बई में हुआ, फिर उसके बाद में कुर्ला में हुआ, अभी मुरूड में हुआ, तो मुमरा में भी हुआ है, अभी नेक्स्ट टाइम थाना में होने वाला है। नजीब भाई, आपने यहाँ पर आगे मुमरा के मुद्दों पर बात की, कोई रोका है उस पे और सर्कुलेशन के बारे में, ऐसा है वो सर्कुलेशन ऐसा है कि देखो जब सियासती ओहदा होता है तो सामाजिक कौम के आधारों के ओहदों के साथ सियासत को तो हम निकाल के बाहर रख नहीं सकते। हम सियासत आधारे में नहीं करते क्योंकि तो हमको आधारे को फैज पहुंचाना है, हमारी कौम की रहनुमाई हमारे पे, तो हमारे को आधारे को फैज सर्कुलेशन की आपने बात। आप लोगों के फोन के अंदर डेटा अच्छा होगा तो पिछले साल डेढ़ साल के अंदर जाके डेटा के रिव्यूज इंटरव्यू चेक करो, आपको आपका नाम मिल जाएगा। नहीं सर, डेटा नहीं होगा तो इंशाल्लाह पर्सनली मुझे मैसेज कर दो, मैं स्पीचेस भेज दूंगा आपको अंदाजा। गडकरी हॉल में मुसलमानों को लेकर एक बयान दिया गया था, एक विश्वनाथ गोयल और आपका क्षेत्र है तो अजीत दादा पवार और आप। देखो मैं को ये चीज कहता हूँ कि आपको एक मिसाल दिया गया कंपेयर की तरफ से, जब इब्राहिम अलैहि सलाम को जब जला रहे थे तो एक चिड़िया ने अपना फर्ज निभाया पानी डालने का और एक गिरगोट ने आग लगाने का, तो आग लगाने वाला आग लगाएगा उसको उसके फील्ड में अहमियत बढ़ानी है। चिड़िया कब आएंगी सर? चिड़िया आ गई है। ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया कोकण सामाजिक संस्था और जितने भी देखो नाम दिख रहे कौसा जामा मस्जिद ट्रस्ट, पीछे आइडियल फाउंडेशन, ये बहुत सारे लोगों ने मिलकर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने से पहले हम लोग सब जगह एक मिलकर बैठे थे कई जगह पे, उसमें सारे लोग संस्था के साथ थे, जिसमें आशिक गार्दी थे, दाऊद चोगले थे, मैं खुद था, कौसा जामा मस्जिद ट्रस्ट की आरुण राव, समीर सुरमे, ये सारे लोग जितने भी संस्था के लोग थे हम एक जगह बैठे थे, वहाँ सर जोड़ के हम लोगों ने आपस में बात की थी कि ऐसा ऐसा एक प्रोग्राम हमको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो ये प्रोग्राम हमारा डिसाइड हुआ 26 अगस्त और सैटरडे, और ये सारी बात होते होते कोकनी लोगों को सब जमा करना है, ये सब बातें होते होते और बात देखे फिर इसको हमको एक सदारत कौन करेगा, तो वो भी हमको कोकनी बंदा चाहिए था, तो हमने नजीब भाई का नाम सजेस्ट किया और उनको बुलाए तो वो भी हमारा वक्त देके यहाँ पर आए थे। कुछ स्टूडेंट्स का भी फैसिलिटेशन किया गया जिन्होंने एजुकेशन के फील्ड में, हाँ में खास प्रोग्राम स्टूडेंट्स का ही फैसिलिटेशन था, और जो भी और भी डिग्निटरीज आए थे उनके लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे हमने, उनके लिए प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था। मैं सबसे पहले देखो जिनके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था वो मेन थे स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी का 10-15 साल अरसा जो है उन्होंने एजुकेशन फील्ड में गुजारा और ये कामयाबी हासिल किया, और उनको आज जो इसका एक सिला एक अवार्ड के रूप में उनको एक सिला मिला, और मैं उन पेरेंट्स को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अपने बच्चे के लिए दिन रात एक करके जान माल पैसा खर्चा करके बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया, उनको भी एक मुबारकबाद पेश करता हूँ। आशिक भाई क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये प्रोग्राम खुसूसन हम लोग हमारे कोकण का सबसे बड़ा इदारा जो है वो कोकण बैंक है, इसके लिए लिए थे,
और जिसकी चेयरमैनशिप और पूरी टीम चेंज हुई है, आसिफ जादन जो हमारे अजीज दोस्त है, उनके लिए खास ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें उनका फेलिसिटेशन और कुछ बच्चे टॉपर्स थे, सीए वगैरह डॉक्टर्स थे, उन लोगों का फेलिसिटेशन रखा था। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही था कि हम फिर से एक बार सब जुड़े। माशाल्लाह जोड़ने के लिए काफ़ी मेहनत लगी, 15-20 दिन से ये तैयारियां चल रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जितना सोचे थे ने उससे ज़्यादा कर दिया और अच्छे से प्रोग्राम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।